हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आप ये जो मेकअप देख रहे हैं, ये आज मैं आपके साथ इस मेकअप को शेयर करने वाली हूँ। ये बॉलीवुड स्टाइल पार्टी मेकअप है। तो गाइस, आपके घर में अगर कोई बर्थडे पार्टी है या कोई ओकेशन है या कोई वेडिंग है, आप सब पे इसको वेयर कर सकते हो। बहुत ही ईजी मेकअप है, बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो गाइस, ये मैंने गुड वाइब्स का रोज़ वाटर लिया है, जो मैंने अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे करके और अच्छे से उसे डैप डैप करके से अप्लाई कर लिया है। और ये मैं मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ रम डॉग का। ये जितने भी हैं गाइस, ये मैं सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के इसे परचेस कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से आप अपने फेस पे अप्लाई कर लें, और इसको थोड़ा टाइम लगता है सूखने के लिए, तो आप इसको 2 मिनट का टाइम दें। और ये मैंने जो यूज़ किया है, ये मालियों का प्राइमर है। ये प्राइमर आप के बेस प्राइमर है, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका जो मेकअप है वो बहुत देर तक स्टे करेगा। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ही चीप रेट में आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद ये मैंने जो प्रोडक्ट किया है, ये गुड वाइब्स का ही एक सीरम है। सीरम लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फेस पर। ये आपके फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, मिनी पोर्स को ओपन होने से भी रोकता है, और आपके डार्क सर्कल हैं, आपके जितने भी रिंकल्स हैं उनको सही करता है। तो उसको प्लीज़ स्किप ना करें, ज़रूर यूज़ करें, जिसको अच्छे से हम अपने फेस पे अब्सॉर्ब कर लेंगे, जो बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। तो अब हम ये अप्लाई करेंगे। एमन का डुल का फाउंडेशन है गाइस, इसका जो कवरेज है वो महंगे से महंगे फाउंडेशन को फेल कर देगा। ये सच में गाइस बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, और ये आपको बहुत ही अच्छा कवरेज देगा, और बहुत ही कम प्राइस का फाउंडेशन है जो आप आसानी से ले सकते हैं। तो गाइस, इस फाउंडेशन को आप एक अच्छे से फाउंडेशन ब्रश से बहुत अच्छे से इसे ब्लेंड करेंगे। इसमें ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो ब्लेंडिंग ही होती है गाइस। जितना अच्छा ब्लेंडिंग होगा उतना ही आपका मेकअप आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो जितना हो सके आप हर चीज़ को अच्छे से ब्लेंड करें, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे कंटूरिंग हो, चाहे कुछ भी। ब्लेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप में। तो गाइज, अब जो हम ले रहे हैं, ये मैं मेबलिन का कंसीलर ले रही हूँ। फिट मी मेबलिन का कंसीलर है ये। मैं अच्छे से अपने आईज़ के नीचे जो डार्क सर्कल हैं और जितने भी मेरे एक्न प्रॉब्लम्स हैं या जो भी दाग धब्बे हैं उनको कवर करता है, और बहुत अच्छे से इसका कवरेज बहुत ही अच्छा है गाइज। इसको हमेशा फाउंडेशन के बाद ही यूज़ करें। इसको भी बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ ये, और ये मेरा ऑलमोस्ट ब्लेंड हो गया है। तो अब दूसरा मैं आपको पर्पल का कॉम्पैक्ट है। ये कॉम्पैक्ट हमेशा आप फाउंडेशन को सेट करें अच्छे से, ताकि जितनी भी आपकी जो फेस पे क्रीज लाइन हो या जो भी हो, वो आपको बहुत ज़्यादा फाउंडेशन जो है आपका वो केकी नहीं दिखेगा। तो इसको अच्छे से आप अपने फाउंडेशन और अपने कंसीलर को अच्छे से इसे कवर कर लें। और ये फाउंडेशन के बाद आपको कॉम्पैक्ट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। का आई शेडो पैलेट है, इस पैलेट पर भी मैंने वीडियो डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं गाइस। और मैं नीचे आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, अब इस पैलेट में से ये 9 आई शेडो पैलेट है गाइस, इसमें से मैंने ये पिंक वाला कलर अपने ब्रश में लिया है, और मैं इसे अच्छे से अपने आईज़ पे ब्लेंड कर लूँगी। और इसको बहुत ज़्यादा आपको ज़ोर नहीं लगाना है ब्रश पे या पुश नहीं करना, बहुत आराम से आप इसको गाइज अपनी ईजली अपनी क्रीज लाइन पे आप इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्लेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है मेकअप में। तो आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, बहुत ही अच्छे से, स्लो मोशन में, बहुत ईजली हाथ से, और आप उसको ज़्यादा ज़ोर ना करें और इस पर ज़्यादा पुश ना करें। तो मैंने ये फिर दूसरा इसमें इसी में से 1 लीटर का लिया है मैंने ये। तो इसको मैं अच्छे से अपनी उंगली की, अपनी फिंगर की हेल्प से मैं इसको आराम से डैप डैप करके इसको इस पर लगा लूँगी, और सेम वही वाला कलर लेकर के मैं अपनी दूसरी आईलेट पे भी लगाऊंगी। तो गाइस, अब ये देख रहे हैं दोनों सेम हो गया है। और फिर उसके बाद मैंने ये मैक का आईलाइनर लिया है गाइस, इसका भी लिंक मैं नीचे आपको मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इसको भी मैं आराम से अच्छे से एक बोल्ड आईलाइनर मैं इसको लगाऊँगी अपने आईज़ पर। तो ये मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ गाइस। तो गाइस, ये मैं लाइनर, आप जितना हो सके थोड़ा थिक लाइनर यूज़ करें, ऐसे मेकअप पे थिक लाइनर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। तो गाइस, ये देखिए मेरा लाइनर पूरा कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं ये लैशेज हैं फॉल लैशेज जो मैं यूज़ करूँगी, और मैं बहुत जल्द इस पर भी क्या नाम है एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि आई लैशेज़ कैसे लगाएँ।
तो आप उसको भी ज़रूर देखें। तो ये देखें गाइस, मेरी एक आँख में लगाने के बाद ये देखें कैसे हो गया। अभी मैंने दोनों ही मतलब लगा ली हैं। तो गाइज़ अब मैं ये मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये आपके जो आई लैशेज़ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देता है। ये मस्कारा लगाने पर जो आपकी लैशेज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या नाम है अच्छी दिखने लगती हैं। तो गाइज़ ये मेरा मस्कारा है ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है। अब मैंने ये अपनी आईब्रो पाउडर लिया है और एक ब्रश से मैं इसको पिक करूँगी और मैं अपनी आईब्रो को अब इससे फिल करूँगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मेकअप के लिए, आपके आईब्रो को अच्छे से फिल करता है। और इसमें दो शेड आते हैं, एक ब्राउन और ब्लैक, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं मेरी आईब्रो में कितना डिफरेंट आ गया है। तो अच्छे से मैंने इसको अपनी दूसरे आईब्रो पर भी अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है। अब आप देख रहे हैं मेरी आईब्रो पहले से अच्छी दिखने लग गई हैं और काफ़ी क्लीन भी हो गई हैं। अब ये मैंने एन वाई बेक का कॉन्डोरिंग का पैलेट लिया है जिससे मैं अपने पूरे फेस पे कॉन्डोरिंग करूँगी। और ये कॉन्डोरिंग करना गाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने फेस पे। इसके मतलब किसी के फेस अगर मोटा है या बहुत ज़्यादा हैवी है तो इससे ये आप अपने शेप में ला सकते हैं। मैं ये कॉन्डोरिंग ब्रश से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और मैंने पहले ही बताया ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं इसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये आप देख रहे हैं मैं अच्छे से अपने चिक लाइन में, अपने बोन्स में और ये अपने नोज़ पे बहुत अच्छे से इसे मेरे को ब्लेंड करना है। अब ये गाइस देखें ये दोनों ही एक ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब मैंने ये लिपस्टिक रेड कलर का शेड लिया है, बहुत ही अमेजिंग लिपस्टिक है गाइस ये। और मैं इससे अब अपने ब्लशेस, ये लिपस्टिक ब्लशेस के भी काम आती है। अब मैंने इसके कुछ ड्रॉप लेकर के अच्छे से मैंने इसे ब्लश के लिए यूज़ किया है। गाइस इसको लगाते ही आप ज़्यादा देर छोड़ें ना अगर ये लिक्विड है आपके पास तो, क्योंकि ये लिक्विड बहुत जल्दी ही सूखने लगती है, तो इसको जल्दी से आपको ब्लेंड करना होता है। ये देखें गाइस दोनों सेम हो गया। अब मैं इसी लिपस्टिक से अपने लिप्स पे आउटलाइनिंग बनाऊंगी और ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है। ये आपको हर जगह मार्केट में मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और ये वैसे मैंने ये जो लिपस्टिक है वो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस की थी और ये 150 के अराउंड थी। अब ये मैंने अपने फेस पर अब हाइलाइटर का यूज़ किया है, इससे आपका फेस बहुत ही ग्लोइंग और शाइनिंग करने लगता है। तो आप हमेशा हाइलाइटर का यूज़ ज़रूर करें। तो आप देख रहे हैं मैंने ये अपने नोज़ पे हाइलाइटर का यूज़ किया है। आप चाहे तो अपनी फिंगर से भी इसको पिक करके कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ब्रश से कर रही हूँ। ब्रश से भी आसानी से लग जाता है हाइलाइटर, लेकिन आप फिंगर से करेंगे तो आप और ज़्यादा ही अच्छे से आपको हाइलाइटर का यूज़ कर पाएंगे। तो गाइस देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ग्लोइंग करने लग गया है मेरा फेस। और ये भी मैंने आप फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, तो अब देख रहे हैं इससे मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया है। आप ये थोड़ा सा अपने लिप्स के ऊपर भी हल्का सा टचअप दे सकते हैं। तो ये देखें, तो गाइज़ अब ये मैंने रोज़ वाटर लिया है। रोज़ वाटर से मैं बहुत अच्छे से अपने फेस स्प्रे, सेटिंग स्प्रे है जो मैं कर लूँगी। अब मैंने ये स्प्रे कर लिया है, अब इसको हल्के से हाथ से आप थोड़ा सा कर देंगे तो ये थोड़ा सूखने लगेगा बस। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।